इसकी व्यवस्था जो वहाँ के प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले विद्वान हो वो रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कौन कौन रहेंगे ये टेस्ट बताएगा कि कौन रहता कौन नहीं रहता है और जहाँ तक है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे उसके पहले तक उनके आँख में पट्टी बनी रहेगी और जब पूरा कार्य सम्पन्न हो जाएगा तब पट्टी खोली जाएगी और वो सामने से नहीं जो मुख्य जजमान हैं प्रधानमंत्री जी वही उस पट्टी को खोलेंगे और वही आयना दिखाएंगे वही काजल भी लगाएंगे तीन काम जो बहुत महत्वपूर्ण है तब उसके बाद में अन्य तीन काम है एक पट्टी हटाना और दूसरा शीशा दिखाना और तीसरा काजल लगाना ये सोने के सिक्के सी, से काजल लगाया जाएगा भगवान को ये तीन काम जो है जो मुख्य जजमान होते हैं करते हैं और तब करेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी सिंहासन में स्थापित हो जाएंगे तब उसके बाद ही कर उसके बाद ही पूजा हो जाएगी और पूजा होने के बाद फिर आरती होगी आरती के बाद में तब प्रसाद भोग लगेगा भोग के बाद प्रसाद का वितरण होगा ये सारे काम वहाँ पर भाई वो तो वो तो टर्ज की बात है दर्ज कहता हमको तो अपार प्रसन्नता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के पहली आरती हमको करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी के बाद में तो वो तो बहुत प्रसन्नता की बात है उसमें कोई जरा सा भी संशय नहीं है लेकिन उस समय की बात जो होता है विशेषकर विशेष ही लोग रहते हैं जैसा कि ज्ञात हुआ है कि मोहन भागवत जी रहेंगे उसके बाद राज्यपाल जी रहेंगी उसके बाद में प्रधानमंत्री जी रहेंगे उसके बाद योगी आदित्यनाथ ये सब मुख्य हैं और जो लोग रहेंगे वो उनके वो कोर्ट ये उसके द्वारा ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित होंगे और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जाएंगे